नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम बात करेंगे GI टैग के बारे में। मणिपुर की ब्लैक राइस और गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला है। ये GI टैग क्या होता है? GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये होता है जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ की कोई एक चीज़ बहुत फेमस है जो वहीं की ओरिजिन है और उसको आसपास के एरिया में या फिर समझ लीजिए कि पूरे इंडिया में उसको ख्याति प्राप्त है, तो उस एरिया में उस चीज़ को GI टैग दिया जाता है जो वहाँ की पर्सनल उस चीज़ को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मानना क्या है कि देखिए जैसे कि मणिपुर की ब्लैक राइस है, तो अब ये मणिपुर में इसका जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो कहाँ उगाया जाता है? मणिपुर में उगाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र में उगाया जाता है लेकिन ओरिजिन एक तरह से क्या कर सकते हैं, मणिपुर में है। ओरिजिन तो इसका चाइना में था कि लेकिन इंडिया में अगर बात करें इंडिया में कहाँ उगाया जाता है, तो ये मणिपुर में उगाया जाता है। अगर ब्लैक राइस की हिस्ट्री के बारे में देखें तो ब्लैक राइस को राजाओं के लिए उगाया जाता था, ये जनता के लिए नहीं था। ये कहाँ था? चीन में। चीन में इसको खोजा गया था। तो चीन में क्या होता था कि केवल राजशाही परिवार ही ब्लैक राइस खा सकता था, इसके अलावा साधारण जनता में इसको यूज़ करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में इस बैन को हटा दिया गया और बाद में ये क्या हुआ, मणिपुर में इसको अपनी ख्याति प्राप्त हुई। ये जो ब्लैक राइस है इसका नाम क्या है वहाँ पे? चखाओ। चखाओ अच्छा नाम है, चखाओ यानी ब्लैक राइस, कहाँ की? मणिपुर। एंड द गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर में औरंगाबाद एक गांव पड़ता है, वहाँ पे टेराकोटा वहाँ का उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब इसका एप्लीकेशन जो चखाओ था उसका एप्लीकेशन कौन फाइल किया था? तो ये फाइल किया था कंसोर्शियम ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ चखाओ मणिपुर। इसको कौन गवर्न करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये देखिए, और गोरखपुर का कौन फाइल किया था? तो लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र, जो यहाँ पे इस इन मूर्तियों को बनाती है। तो चलिए हम एक बार चखाओ के बारे में देख लेते हैं, ब्लैक राइस के बारे में। तो ये एक ग्लूटिनस राइस है। ग्लूटिनस राइस क्या होती है? स्टिकी राइस, चिपचिपी राइस। इसको तो पकाने में समझ लीजिए कि 40 से 45 मिनट इसको पकाने में ही लग जाता है। प्रोटीन रिच होती है, जैसे कि कड़कनाथ जो कि काला मुर्गा है वो भी कैसा है, प्रोटीन रिच है। उसी तरह से ये भी काला है और ये भी प्रोटीन रिच है। इसको कहाँ उगाया जाता है? मणिपुर में उगाया जाता है, बहुत शताब्दियों से इसको उगाया जा रहा है और इसकी एक हल्की स्वीट स्मेल भी होती है। इसको नॉर्मली जब कोई वहाँ पे फेस्टिवल होता है उस समय इसको बनाया जाता है और चखाओ खीर भी बनाया जाता है। चखाओ हैज़ ऑल्सो बीन यूज बाई ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, यानी बहुत पहले से जो लोग इस पे, मतलब होता ही नहीं कि आप प्रकृति से किस तरह से मेडिसिन को बना पाते हैं, उस तरह से इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सही है, ये हार्ट के पेशेंट के लिए सही है, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसका प्राइस अगर देखें, जहाँ नॉर्मल चावल की कीमत होती है 32 से या 30 रुपए से लेके या 25 रुपए से लेके 90 रुपए किलो के बीच में या 120 रुपए के किलो के बीच में, वहीं इस ब्लैक राइस की कीमत है कितनी? 200 से 300 रुपए किलो। सबसे अधिक टाइम लगता है इसको बनाने में, कितना? 40 से 45 मिनट लगता है और इसको स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, ये नॉर्मल तरीके से नहीं बनती है। और क्यों इतना टाइम लगता है? क्योंकि इसमें फाइबर के कंटेंट भी पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें मणिपुर में कुछ कुछ एरिया में इसको उगाया जाता है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप इसकी खेती, इसका जो ये देखिए काले काले रंग का आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ये चावल लटके रहते हैं वो काले काले रंग के दिख रहे हैं और ये काले रंग के चावल हैं। चलिए इसकी बेनिफिट के बारे में भी देख लेते हो। तो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि कभी हार्ट अटैक क्यों आता है कि हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आ जाता है, उसको हटाने का काम करता है। एशिया कॉन्टिनेंट में ईट किया जाता है, कहाँ जाता है? एशिया कॉन्टिनेंट में खाया जाता है। ये रोगों से लड़ने में भी बहुत फ़ायदा करता है। केमिकल नेम क्या है? ओरिजा सटाइवा। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा ये खाया जाता है, आम जनता के लिए यूज़ में नहीं लाया जाता था। ब्लैक राइस में हाई प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आयरन होता है, फाइबर होता है, विटामिन बी होता है। उसके अलावा ये कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत यूज़फुल है, इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में भी जब या फिर हार्ट के पेशेंट जो होते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ब्लैक राइस खाइए,
हाँ ये बात अलग है कि ये इजिली नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर मिले तो इसको आप ज़रूर खाइएगा। डायबिटिक पर्सन कैन यूज़ दिस राइस, क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। जैसे ही आपका ग्लूकोज बढ़ने लगता है, आप डायबिटिक के पेशेंट होने लगते हैं, उसी तरह से ये क्या करता है, इंसुलिन को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज कंट्रोल में आ जाता है। अब गोरखपुर के टेराकोटा के बारे में भी देख लेते हैं। तो गोरखपुर का टेराकोटा पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। क्या होता है कि यहाँ पे टेराकोटा यानी मिट्टी से यहाँ पे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। मिट्टी से बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि हाथी बनाएंगे, घोड़ा बनाएंगे, ऊंट बनाएंगे, यहाँ पे भगवान के मूर्ति बनाई जाएगी, सजाने की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो और ये सबसे बड़ी खासियत इसकी जो है ना यार, इसमें नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है, और वो नेचुरल कलर भी क्ले से ही आता है। और इसको पकाने के लिए किसी लकड़ी या ओवन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको पकाने के लिए भी कांडा आता है। कांडा आप लोग जानते होंगे, गोईठा जिसको बोलते हैं, गोबर का बना होता है, उसकी मदद से, केवल उसकी मदद से इसको पकाया जाता है। इसमें जो नक्काशी की जाती है वो टोटली हैंडमेड होती है, इसको बनाया भी पूरे हाथ से जाता है, इसलिए इसकी प्रसिद्धता और बढ़ जाती है। अगर कभी आप गोरखपुर आइएगा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे आप ज़रूर यहाँ से चीज़ों को लेके जाएगा। ये इतनी सुंदर होती हैं कि आपको पहली बार में ही इसकी नक्काशी पसंद आ जाएगी। और ये अपने प्राचीन काल से ही विख्यात है, और प्राचीन काल को ये सजोए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। जो भी आप मार्केट में देखते होंगे टेराकोटा से बनी चीज़ें, ये मान के चलिए मैक्सिमम यहीं से आती हैं। द टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर इज अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म वेयर द पॉटरीज मेक वेरियस एनिमल फिगर्स लाइक हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल, गोट, ऑक्स इटीसी विद हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंट्स। टोटली ये हैंडमेड होते हैं। सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप इंक्लूड द हौडा इन्फेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, फाइव फेस्ड गणेशा, सिंगल फेस्ड गणेशा, एलिफेंट टेबल, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की मूर्तियाँ हैं, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे टोटल 150 लोग काम करते हैं, शायद 11 परिवार के आसपास इसमें काम करता है, और वही इतने दशकों से इस कला को आगे बढ़ाता आ रहा है। द इंटायर वर्क इज डन विद बेयर हैंड्स, नंगे हाथों से किया जाता है, कोई मशीन का यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, नीचे जिस पे रख के घुमाया जाता है वो जरूर मशीन का है, लेकिन उसको भी इसलिए बनाया गया ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, लेकिन टोटल हैंडमेड होने की वजह से इसका आपको जो खूबसूरती दिखेगी ना, बहुत अच्छी है। आप कभी भी आइएगा गोरखपुर तो इसके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जरूर लेके जाइएगा। देयर आर मोर देन 1000 वेराइटीज ऑफ टेराकोटा वर्क डिजाइन फ्रॉम द लोकल क्राफ्ट्समैन। जितने लोकल क्राफ्ट्समैन हैं सब ये टोटली हैंडमेड करते हैं। यहाँ पे एक तालाब है जिसमें साल में एक बार वहाँ से मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी से कंकड़ पत्थर अलग किया जाता है, फिर उस बाद क्ले जो रहती है, फिर क्ले से ये लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं, और जब वो बन जाती है तो उसकी नमी सुखाई जाती है, उसको अंगीठी में डाला जाता है, उसको पकाया जाता है, और ये फाइनली आप ये जो कलर देख रहे हैं ये टोटली नेचुरल कलर है, ये कलर कभी नहीं जाता। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।